Assalamualaikum aspirants. In this video we will discuss British history past paper 2019 और इस पेपर के हम सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन वन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज सो ग्लोरियस अबाउट द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन द ब्रिटिश हिस्ट्री। शानदार इनकलाब में क्या चीज़ इतनी शानदार थी, इसलिए इसकी बरतानवी तारीख में अहमियत के ऊपर गुफ्तगू करें। So the Glorious Revolution, an overview. The Glorious Revolution, which took place in 1688, was a significant event in the British history that resulted in the overthrow of the King James II and the establishment of the William III and Mary II. Also, monarchs. It is often referred to as glorious because it occurred with relatively little bloodshed and led to important constitutional changes in England. यानी 1688 में जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन वक़ू पज़ीर हुआ था, तो बरतानवी तारीख का ये एक अहम वाक़या था जिसके नतीजे में बादशाह जेम्स डोम की माजूली हुई और विलियम सोम और मेरी डोम की बतौर मुश्तरका बादशाहों के तख्त नशीनी अमल में आई थी। तो इसे अक्सर ग्लोरियस यानी कि शानदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कम खूनरेजी के साथ हुआ था, तो जो इसके नतीजे में इंग्लैंड में अहम आइनी तब्दीलियाँ भी आई थी। अब हम डिस्कस करते हैं इसके की इवेंट्स को, दैट लीडिंग टू द रेवोल्यूशन, के वो कौन से वाक़यात थे इनकलाब से पहले के, यानी कि अहम वाक़यात कौन से थे। सो रिलीजियस टेंशन, 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड वाज मार्क्ड बाय इंटेंस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। यानी कुछ ऐसे वाक़यात थे जो कि रेवोल्यूशन की तरफ लेकर गए। तो 17 जो सेंचुरी थी उसमें इंग्लैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान शदीद मजहबी तनाज़ात थे। तो बादशाह जेम्स डोम के कैथोलिक था जिससे बहुत से प्रोटेस्टेंट्स जो आवाम थी वो खौफज़दा थे, और उसके बाद इसमें पॉलिटिकल डिसकंटेंट थे, सियासी अदम इत्मीनान था। तो जेम्स डोम की पॉलिसियाँ जिनमें कैथोलिक मजहब को फ़रोग देना था और पार्लियामेंट के बगैर हुकूमत करने की कोशिश शामिल थी। तो दोनों सियासी जमातों ने यानी विग्स और टोरीज़ के दरमियान, इन दोनों सियासी जमातों के दरमियान नाराज़गी पैदा हो गई थी। देन इन्विटेशन टू विलियम्स ऑफ ऑरेंज, यानी इसके अलावा इसके अंदर थे कि विलियम ऑफ ऑरेंज की दावत थी कि अपने हकूक़ और मज़हब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक गिरोह ने विलियम ऑफ ऑरेंज जो कि प्रोटेस्टेंट जेम्स डोम की यानी बेटी मेरी का शोहर था, तो उनको इंग्लैंड के ऊपर हमला करने की दावत दी थी। तो उसके बाद जो इनकलाब का आगाज़ हुआ था तो विलियम ऑफ ऑरेंज का हमला था जिसमें नवंबर 1688 में विलियम एक फौज के साथ इंग्लैंड में उतरा था। एंड हिज अराइवल प्रोमटेड वाइड स्प्रेड सपोर्ट एंड जेम्स टू फ्लेड टू फ्रांस। और इसके जो यानी इसकी आमद थी उसको वसी पैमाने के ऊपर हमायत मिली थी और जेम्स डोम फ्रांस फरार हो गया था। देन पीसफुल टेंशन, इसके अलावा पुरअमन तब्दीली है, यानी इस इनकलाब की खासियत कम लड़ाई झगड़े के बायस इसको ग्लोरियस कहा जाता है। और विलियम और मैरी को तख्त की पेशकश की गई थी तो उन्होंने ऐसी शराइत पर कबूल किया जिससे बादशाह की ताकत महदूद हो गई। तो अब हम इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। तो आइनी बादशाह का क़याम अमल में आया था, इसके नतीजे में 1689 का बिल ऑफ राइट्स अगर हम देखें तो इस डॉक्यूमेंट्स में अहम असूलों का तयन किया था जैसे कि पार्लिमानी बालादस्ती और फ़र्द के हकूक़। तो इसने बादशाह की ताकत को महदूद किया और जदीद जमहूरियत की बुनियाद रखी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की का एंड हुआ, बादशाह का खात्मा हुआ जो मुतलक अनान बादशाह थी। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने यानी एब्सोल्यूट पावर जो थी बादशाह की उसमें खात्मे का ऐलान कर दिया था और ये असूल कायम किया कि बादशाह को पार्लियामेंट की रजामंदी के बगैर हुकूमत करने का इख्तियार नहीं होगा। उसके बाद इसमें रिलीजियस टॉलरेशन है, मजहबी बर्दाश्त है कि यानी 1689 का एक था टॉलरेशन है। तो इस इनकलाब ने प्रोटेस्टेंट्स इख्तलाफी गुरूहों को ज़्यादा मजहबी आज़ादी दी थी, हालांकि जो कैथोलिक थे वह भी पाबंदियों का शिकार थे। तो उसने एक डाइवर्स माशरे के क़याम में मदद की। तो अब हम देखते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की तक़वियत, पार्लियामेंट की बालादस्ती। तो इस रेवोल्यूशन ने, इस इनकलाब ने हुकूमत में पार्लियामेंट की ताकत को मज़ीद मजबूत किया और इससे एक मिसाल कायम हुई कि जदीद बरतानवी सियासी निज़ाम में पार्लियामेंट को हतमी इख्तियार हासिल होगा। देन ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाज अ पिवटल मूवमेंट इन ब्रिटिश हिस्ट्री दैट ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंग्लैंड बाय लिमिटिंग द पावर्स ऑफ मोनार्की एंड एस्टैब्लिशिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इट लेड द groundwork for modern democracy and the rule of law. Its effects continue to influence the political system and democratic values in Britain today. तो शानदार इनकलाब बरतानवी तारीख का एक अहम मोड़ था जिसने इंग्लैंड के सियासी मंजरनामे को तब्दील कर दिया और बादशाह की ताकत को महदूद कर दिया और आईनी फ्रेम वर्क कायम करके इसने जदीद जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की बुनियाद रखी। ठीक है, तो इसके असरात आज भी बरतानिया के सियासी निज़ाम के ऊपर भी नजर आते हैं और जमहूरी इकदार के ऊपर भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑफ द हेनरियन सक्सेशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में हिंदुस्तानी जानशीनी की सियासी और आईनी अहमियत क्या थी, तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि हेनरी जानशीनी का जो ताल्लुक है वो इंग्लैंड के तहत हेनरी के ख़ानदान को मुंतकिली से है जो 1714 में जॉर्ज अव्वल के तहत के तख्त नशीन होने के साथ यानी शुरू हुई थी और ये जानशीनी जो थी ये बरतानवी तारीख का एक अहम मोड़ थी जिसने मुल्क के सियासी मंजरनामे को और आईनी ढांचे पर गहरा असर डाला। बैकग्राउंड क्या है इस जानशीनी के यानी हेनरी जानशीनी का पस मंजर हम देखते हैं। तो हेनरी जो जानशीनी थी 1714 में मलका एन के इंतकाल के बाद ये हुई थी और जो स्टुअर्ट खानदान की आखिरी बादशाह थी उनकी मौत ने इक़्तिदार में एक स्पेस पैदा किया यानी एक खला पैदा किया क्योंकि कैथोलिक जानशीनी का खतरा मौजूद था, खासतौर पर जो यानी स्टुअर्ट खानदान के आखिरी बादशाहों की कैथोलिक हमदर्दियों की वजह से। देन एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 1701 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है। इस एक्ट का क्या मकसद है, इस एक्ट का मकसद है कि प्रोटेस्टेंट जानशीनी को यकीनी बनाना और इसके अलावा हेनरी के इलेक्टर को तख्त का अगला वारिस मुकर्रर किया गया था जो प्रोटेस्टेंट था। यह एक अहम एलिमेंट था जिसने हेनरी जानशीनी को यकीनी बनाया था। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, शिफ्ट इन पावर, राइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इक़्तिदार की मुंतकिली हुई जॉर्ज अव्वल के तख्त नशीन होने के साथ एब्सोल्यूट पावर जो बादशाह से थी वो आईनी बादशाह की तरफ तब्दील शुरू हुई थी उसकी तब्दीली, तो बादशाह की ताकत पर पार्लिमानी इख्तियार की हदूद जो है वो कायम हो गई थी। ठीक है, कि जिसे जो जदीद जमहूरी हुक्मरानी थी उसकी राह हमवार हुई। अब हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म का अरूज हुआ कि जॉर्ज अव्वल को अंग्रेज़ी ज़बान में यानी कि कोई ज़्यादा महारत हासिल नहीं थी और वह हेनरी से हुकूमत करने को तरजीह देते थे, तो इस वजह से वज़ीर आज़म का किरदार यानी कि काफ़ी उभर कर सामने आया। तो इस रॉबर्ट वालपोल पहले अमेरिका के वज़ीर आज़म बने थे और मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म के लिए उन्होंने मिसाल भी कायम की। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की मजबूती, पार्लियामेंट ऑफ सोवरेनिटी, पार्लियामेंट की बालादस्ती। हेनरी जानशीनी ने पार्लिमानी बालादस्ती के तस्वर को मज़ीद उन्होंने मजबूत किया और इस बात के ऊपर एम्फसाइज किया कि बादशाह पार्लियामेंट की रजामंदी के बगैर हुकूमत नहीं कर सकता। तो सियासी इस्तेकाम, फिर हेनरी के ख़ानदान की जानशीनी ने बरतानवी सियासी निज़ाम को मुस्तहकम करने में मदद की और इससे पहले के दौर की मजहबी और खाना जंगी जैसे जो तनाज़ात थे वो भी कम हो गए। अब हम इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि आइनी अहमियत क्या थी। कानूनी इस्लाहत इसके अंदर लाई गई, आइन का तसलसल था यानी हेनरी दौर में आइनी रवायात और कानूनी इस्लाहत का यानी जो अमल था तजदीदी अतका ये जारी रहा था जिसने आइनी हुकूमत के असूलों को मज़ीद मुस्तहकम किया। और एक्ट ऑफ यूनियन है 1701, तो ये हेनरी जानशीनी से पहले मंजूर हुआ था और इस एक्ट ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनाया और हेनरी ख़ानदान के बादशाहों को इसी कानून फ्रेमवर्क में काम करना पड़ा। देन इन्फ्लुएंस ऑन मोनार्कियल पावर, फिर बादशाही ताकत पर क्या असरात थे। लिमिटेड रॉयल अथॉरिटी, हेनरी सक्सेशन एग्जाम्प्लीफाइड द diminishing power of the monarchy. Monarchs were now expected to act within a framework established by Parliament, which shaped the future relationship between the crown and subject. So हेनरी जानशीनी ने बादशाही ताकत की कमी को वाजे किया। ठीक है, और बादशाह अब पार्लियामेंट के जो कायम करदा फ्रेमवर्क था उसके अंदर काम करने के पाबंद हो चुके थे जिसने ताज और आवाम के ताल्लुकात को एक नई शक्ल दी। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज यानी सियासी जमातों का भी क्या अमल में आया था। इस दौर में वेगिस और टोरीज के नाम से सियासी जमातों का बाकायदा क्याम हुआ था जिन्होंने पार्लियामेंट के सियासत और हुक्मरानी के स्ट्रक्चर को शक्ल दी। तो हेनरी जानशीनी इंग्लैंड के लिए सियासी और आइनी तौर पर इंतहाई अहम थी। ये आइनी बादशाह की तरफ एक तब्दीली भी थी और जिसने पार्लियामेंट की बालादस्ती को कायम किया और जदीद बरतानवी सियासी निज़ाम की भी बुनियाद रखी। तो द चेंजेस इनिशिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड लेड द फाउंडेशन फॉर द democratic principles and governance structure that continue to influence the United Kingdom today. इस दौर के दौरान जो भी इकदाम किए गए थे वो जमहूरी असूलों और हुक्मरानी स्ट्रक्चर की बुनियाद उन्होंने रखी थी, जो आज भी बरतानिया में असर अंदाज हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट लीड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस एंड डिस्कस हाउ इट इफेक्ट द सोशल पोलिटिकल इकोनॉमिकल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द इंग्लिश पीपल। सनती इनकलाब के अवामिल की वजाहत करें और ये कैसे इंग्लैंड के लोगों की समाजी, सियासी, इकतसादी और सकाफती ज़िंदगी को मुतासर करता था। अब हम देखते हैं कि सनती इनकलाब के कौन से अवामिल थे। तो सनती इनकलाब 18वीं सेंचुरी के आखिर में बरतानिया में शुरू होने वाला एक अहम दौर था, जिसने ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में बड़ी तब्दीलियाँ पैदा की। इस इनकलाब के पीछे कई अवामिल थे। इसके पीछे इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, इकतसादी अवामिल थे, सरमाया की दस्तियाबी थी, यानी सरमायाकारी के मौके के बरतानिया में बढ़ता हुआ जो तबका था मिडिल क्लास, यानी जिसके पास नई टेक्नोलॉजियों और संतों में सरमायाकारी के लिए सरमाया था। उसके बाद बैंकिंग का निज़ाम है कि एक मजबूत बैंकिंग निज़ाम ने कर्ज़ों और सरमायाकारी को आसान बनाया, जिससे सनती तरक्की को भी फ़रोग मिला। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसके अंदर कुदरती वसायल हैं, यानी बरतानिया में कोयला और लोहे के वाफिर ज़खायर मौजूद थे, जो यानी के स्टीम इंजन को चलाने और मशीनें बनाने के लिए ज़रूरी है। फिर एग्रीकल्चर सरप्लस, यानी ज़राई पैदावार थी कि बेहतर जो ज़राई टेक्निक्स थी उनकी वजह से गज़ाई पैदावार में इजाफा हुआ, जिससे ज़्यादा लोगों को शहरों में आकर फैक्ट्रियों में काम करने का मौका मिला। ठीक है, अब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं, ईजादात और इख्तियारात की। तो स्पिनिंग के अंदर स्पिनिंग जेनी और पावर लूम जैसी जो ईजादात थी, इसने कपड़े की पैदावार में बहुत ज़्यादा इनकलाब बर्पा कर दिया। फिर उसके बाद भाप का इंजन है, स्टीम इंजन है, डेवलपमेंट ऑफ द स्टीम इंजन बाय जेम्स वाट इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड फैक्ट्री प्रोडक्शन एफिशिएंसी, यानी जेम्स वाट की जो स्टीम इंजन की तरक्की थी उसने इस यानी ट्रांसपोर्टेशन को और फैक्ट्रियों की पैदावार की कदकदगी को बेहतर बनाया था। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूवमेंट्स आई, यानी रेलवे के निज़ाम की तोसी ने सामान और लोगों के जो ट्रांसपोर्टेशन थी उसको आसान बनाया, जिससे तिजारत और सनत को भी फ़रोग मिला। इसके अलावा नहरें और सड़कें बनाई गईं। बेहतर नहरें और सड़कों के निज़ाम ने यानी कि जो खाम माल था, रॉ मटेरियल और तैयारशुदा मसनूआत थी, इनकी ट्रांसपोर्टेशन को मौसर बना दिया। इसके अलावा इसमें सोशल फैक्टर्स थे, समाजी अवामिल थे, यानी आबादी में भी इजाफा हुआ, अर्बनाइजेशन थी, शहरों में बढ़ती हुई आबादी ने फैक्ट्रियों के लिए मजदूर कायम किए, जिससे सनती तरक्की को तेज़ी मिली। फिर उसके बाद माइग्रेशन है कि यानी बहुत से लोग जो थे वो दही इलाकों से शहरों की तरफ रोज़गार की तलाश में मुंतकिल हुए, जिससे शहरों का तेज़ी से फैलाव यानी तेज़ हो गया था। देन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट है। उसके बाद जो खानदगी में इजाफा हुआ था, यानी जैसे माहिर मजदूरों की जो मांग थी वह बढ़ी, तो तालीम तक रसाई आसान हुई, फिर जिससे ख्वानदगी और पेशा वराना जो तरबियत थी उसके अंदर इजाफा हुआ। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, सनती इनकलाब आया, इसके इफेक्ट क्या थे? इकॉनमिक इफेक्ट की पहले बात करते हैं कि इकतसादी असरात क्या थे उसके। तो सनती मईशत की तरफ मुंतकिल, यानी मईशत ज़राई बुनियादों से सनती बुनियादों की तरफ मुंतकिल हुई, जिससे फैक्ट्रियों और बड़े पैमाने के ऊपर पैदावार में भी इजाफा हुआ। फिर ग्लोबल ट्रेड एक्सपेंशन थी, यानी कि आलमी तिजारत की तोसी हुई। बरतानिया आलमी जो यानी तिजारत थी उसमें बरतानिया एक रहनुमा बन गया था, और बाकी जो तैयारशुदा मसनूआत थी उनको बरामद करने के लिए और रॉ मटेरियल को दरामद भी करने लगा। अब हम इनके समाजी असरात की बात करें तो एक नया समाजी यानी तबका उभरा था, यानी जो सनती जो इंडस्ट्रियल मिडिल क्लास थे, यानी जबकि मजदूर जो तबका था वो फैक्ट्रियों में सख्त हालात का सामना कर रहा था। तो नाक़िस काम के हालात ने मजदूर यूनियनों और मजदूरों के हकूक़ और बेहतर जो हालात थे उनकी वकालत करते, उनकी हमायत करने वाली तहरीकें जो थीं उन तहरीकों को जन्म दिया था। पॉलिटिकल इफेक्ट्स की बात करें तो इस सोशलिस्ट तहरीकों और ट्रेड यूनियंस का इसमें अरूज हुआ था, यानी कि मजदूरों की मुश्किलात ने सोशलिस्ट तहरीकों और मजदूर यूनियन की तश्कील में मदद दी, ताकि जो मजदूर हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। रिफॉर्म लेगिस्लेशंस आई, यानी इस्लाही कवानीन लाए गए, सियासी इस्लाहत इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिनमें फैक्ट्री एक्ट शामिल थे, जो काम के हालात को बेहतर बनाने और काम के औकात को कम करने के लिए बनाए गए थे। देन कल्चरल इफेक्ट्स यानी शहरी जिंदगी ने तर्ज जिंदगी को तब्दील कर दिया और लोगों ने फैक्ट्री के शेड्यूल्स और शहरी जिंदगी के नए तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया। आर्ट एंड लिटरेचर है कि सनती इनकलाब ने फ़न और अदब को भी मुतासर किया, जिसमें रवायात इसके अलावा रोमानिया जैसी तहरीकें सनती तरक्की के खिलाफ रद्द अमल ज़ाहिर कर रही थी। तो कुदरत यानी नेचर और इंसानियत के मौजूद पर गौर कर रही थी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक कम्प्लेक्स प्रोसेस था जिसे इक्तसादी और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स ने मुतहरक किया। तो इसके असरात ने इंग्लैंड के लोगों के समाजी और इसके अलावा सियासी और इक्तसादी और सकाफती ज़िंदगी को नए सिरे से तरतीब दिया, तो जिसने जदीद माशरे की बुनियाद रखी और आने वाली सदियों में भी आलमी मंजरनामे के ऊपर गहरे असरात मुरतब किए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 मेड पॉसिबल द सीरीज ऑफ द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न ब्रिटेन। 1832 का इस्लाही एक्ट जदीद बताने की सियासी इंतजाम इस्लाहत का सबब कैसे बना। रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 जदीद बरतानिया की बुनियाद बना। इस एक्ट जो ये एक्ट था इस्लाही एक्ट बरतानवी तारीख का अहम कानून साजी का ये एक्ट हिस्सा था, जिसका मकसद क्या था कि इंतखाबी निज़ाम में अदम मसावत को दूर किया जाए। और इस एक्ट ने सियासी और इंतजामी इस्लाहत के एक सिलसिले का आगाज़ किया, जिसने बरतानिया को जदीद जमहूरी रियासत में तब्दील किया। देन बैकग्राउंड ऑफ द रिफॉर्म एक्ट, इस्लाही एक्ट का पस मंजर क्या है। रीजंस फॉर रिफॉर्म्स, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल सिस्टम वाज हेवीली बेस्ड विद मेनी कंस्टिट्यूएंसीज हैविंग लिटिल और नो रिप्रेजेंटेशन, सो इंडस्ट्रियल सिटीज हैड फ्यूअर एमपीज कंपेयर टू रूरल एरियाज। मौजूदा जो इंतखाबी निज़ाम था उसमें बहुत ज़्यादा जानबदारी थी, जहाँ कई हलकों में बहुत कम या कोई नुमाइंदगी नहीं थी। तो सनती शहरों में दही इलाकों की नस्बत कम अरकान पार्लियामेंट थे। और फिर डिमांड फॉर चेंज बढ़ते हुए जो इस मिडिल क्लास थी और मजदूर तबका था, इस तहरीकों ने ज़्यादा नुमाइंदगी के लिए और हकूक़ का मुतालबा किया, जिससे इंतखाबी इस्लाहत की ज़रूरत का एहसास हुआ। ठीक है, अब हम पॉइंट देखते हैं इसमें यानी पब्लिक प्रेशर का कि मुख्तलिफ इस्लाही तहरीकें हुई, रिफॉर्म्स मूवमेंट्स हुई, अवामी एहतजाजात हुए, यानी जिसके अंदर चार्टिस्ट तहरीक थी, इसने मजदूर तबके के लिए ज़्यादा सियासी नुमाइंदगी और हकूक़ का मुतालबा किया था। और इसके अलावा इक़्तिसादी तब्दीलियाँ, सनती इनकलाब ने आबादी और इक़्तिसादी ताकत को दही इलाकों से सनती शहरों की तरफ मुंतकिल किया, जिससे इस्लाहत की मांग में इजाफा हुआ। की प्रोविजंस ऑफ द रिफॉर्म एक्ट, एक्सटेंशन ऑफ द फ्रेंचेज, तो इस्लाहत एक्ट के कलीदी दफात थे जिसमें हक के रायदाही में तोसी हुई। एक्ट ने जो मज़ीद जो मर्द थे उनको वोट का हक दिया, खासतौर पर उन अफराद को जिनके पास यानी 10 पाउंड या इससे ज़्यादा की जायदाद थी, जिससे वोटर्स की तादाद तकरीबन 5 लाख से बढ़कर 8 लाख हो गई थी। और उसके बाद एक्सक्लूजन ऑफ द वुमेन है, यानी इट स्टिल एक्सक्लूड द वुमेन मैनी वर्किंग क्लास वुमेन फ्राम वोटिंग, हाईलाइट ऑन गोइंग इनइक्वालिटीज, यानी ख़वातीन और बहुत से मजदूर तबके के मर्दों को वोट का हक नहीं दिया गया था इस एक्ट के तहत। तो जो जारी अदम मसावत की को जाहिर भी करता है, उसकी निशानदेही करता है। देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स, शिस्तों की तकसीम हुई, रोटन बोरो का खात्मा हुआ। इस एक्ट ने बहुत से रोटन बोरो यानी कम आबादी वाले इलाके जहाँ गैर मुतनासिब नुमाइंदगी थी, इनको क्या कहा जाता था, रोटन बोरो। तो इन नशिस्तों को बढ़ते हुए सनती शहरों जैसे मैनचेस्टर है या बर्मिंघम है, इनको मुंतकिल किया। और इससे मुल्क की जो तब्दील होती हुई आबादी थी, उसके लिहाज से पार्लियामेंट में ज़्यादा यानी मुतवाज़न नुमाइंदगी कायम करने में मदद मिली थी। और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, आइन इस्लाहत की बुनियाद क्या थी। इस्लाही एक्ट ने आइंदा इंतखाबी इस्लाहत के लिए एक मिसाल कायम की, जिसने के बाद 1867 और 1884 के मज़ीद एक्ट आए, जिन्होंने हक़ रायदाही को मज़ीद यानी बढ़ाया, वसअत दी। सियासी जमातों का रद्द अमल है कि सियासी जमातों ने नए वोटरों के मुताबिक खुद को ढालना शुरू किया, फिर जिससे लिबरल और लेबर पार्टियों का अरूज हुआ था, जिन्होंने वसी तर इस्लाहत के ऊपर तवज्जो दी। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फिर यानी सियासी शमूलियत में इजाफा हुआ। इस एक्ट ने अवाम में सियासत में दिलचस्पी और इंतखाबात में शिरकत को फ़रोग दिया था। इसके अलावा इस एक्ट ने मुख्तलिफ समाजी और सियासी तहरीकों की भी राह हमवार की, जो बरतानवी माशरे मज़ीद इस्लाहत के लिए के ख्वाहिशमंद थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाई गईं, मकामी हुकूमतों में तब्दीलियाँ लाई गईं। 1835 का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट लाया गया। इस इस्लाही एक्ट के बाद इस एक्ट ने मकामी हुकूमत में इस्लाहत की, जिनमें टाउन्स थे, सिटीज़ थी, जिन्हें मुख्तलिफ जो मुंतखब कौंसल थे उनका क्याम शामिल था, जिसे मकामी नुमाइंदगी में इजाफा हुआ, अकाउंटेबिलिटी के अंदर इजाफा हुआ, अवामी खिदमत के अंदर बेहतरी लाई गई, यानी कि नई मकामी कौंसलों को अवामी सेहत, सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम दिया गया, जिससे जदीद मकामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई। देन इम्पैक्ट ऑन सिविल सर्विसेज, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स, तो इंतजामी कारकर्दगी के मांग ने सिविल सर्विस में इस्लाहात को भी जन्म दिया, जिससे सियासी सिफारिशात के बजाय मेरिट के ऊपर, तकरीम के ऊपर जोर दिया गया। देन प्रोफेशनलाइजेशन, फिर इस तब्दीली ने हुकूमत की इंतजामिया को मज़ीद पेशा वराना और मौसर बनाने में मदद की। तो 1832 का इस्लाही एक्ट एक संगे मिलता है, एक लैंडमार्क इवेंट था, जिसने इंतजामी अदम मसावत को दूर किया और जदीद बरतानिया की बुनियाद रखी। ठीक है, इस एक्ट ने हक़ रायदाही को भी बढ़ाया और पार्लिमानी नशिस्तों की तकसीम को दुरुस्त किया और अहम इंतजामी इस्लाहत का भी आगाज़ किया। तो इसके असरात जो थे उन्हें बरतानवी सियासत के ऊपर देर पर असरात मरतब किए थे, और फिर जिससे मज़ीद इस्लाहत की राह भी हमवार हुई और एक जदीद पार्लिमानी जमहूरियत की तश्कील हुई। सेक्शन 2 में हमारा क्वेश्चन है कि हाउ सक्सेसफुली डिड द लेबर गवर्नमेंट ऑफ 1951 टैकल द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वार टू इन ब्रिटेन। के 1945 और 1951 के लेबर हुकूमत ने दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया के इकतसादी और समाजी मसाइल को कितनी कामयाबी से हल किया। तो अब हम इनके डिस्कस करते हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया की जो इकतसादी और समाजी मसाइल थे उनको हल करने की कोशिशें थी कि वज़ीर आज़म क्लेमेंट एटली की क़यादत में 1945 से 1951 तक की लेबर हुकूमत ने दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया को जो भी दरपेश संगीन इकतसादी और समाजी मसाइल थे उनको हल करने के लिए एक मजबूत मैंडेट के साथ इक़्तिदार संभाला। तो इस पीरियड में यानी जदीद फलाही रियासत की बुनियाद रखी गई। तो इसमें देखते हैं लेबर हुकूमत ने इन चैलेंजेस का कितनी कामयाबी से मुकाबला किया या सामना किया। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस इकतसादी चैलेंजेस से जंग के बाद जो फौरी मईशत थी, यानी बरतानिया जंग से तबाही के बाद निकला था, तो बहुत ज़्यादा तबाही थी, कौमी कर्जों का बोझ था, तो रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत थी, सनती पैदावार कम थी, मईशत नाजुक हालत में थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाई गई इसके लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए। लेबर हुकूमत ने अहम सनतें थी जैसे कोयला, स्टील और रेलवे को कौमी तहवील में ले लिया, और इसका मकसद क्या था, इन अहम खिदमात की कारकर्दगी को बेहतर बनाना और उन्हें अवामी मफाद के लिए चलाना ताकि निजी मुनाफा हो सके। उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग थी कि हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए इक़्तिसादी मनसूबाबंदी की। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल हेल्प कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक रिकवरी एफर्ट्स, यानी इक़्तिसादी तरक्याती कौंसल का क़याम मुआशी बहाली के इक़दाम को मरबूत करने में मददगार साबित हुआ था। देन अचीवमेंट्स की बात करते हैं, उन्होंने जंग के बाद उनकी मईशत की हालत ख़राब थी, बहुत से यानी उनको मुश्किलात का सामना था, फिर इसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कुछ मनसूबाबंदी की। फिर उनके अचीवमेंट्स अब देखते हैं कि उन्होंने उनको कामयाबियाँ कितनी मिली थी। तो लेबर हुकूमत के दौर के आखिर तक जो मईशत थी वो मुस्तहकम रफ्तार से तरक्की कर रही थी, तो सनती पैदावार में इजाफा हुआ था और बेरोज़गारी कम रही। उसके बाद हुकूमत ने अमरीकी मार्शल प्लान से भी फ़ायदा उठाया था, जिसने यूरोपीय मईशतों को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए माली इमदाद दी, जिससे बरतानिया की बहाली में काफ़ी मदद मिली। सोशल चैलेंजेस की बात करते हैं, कौन से उनको ऐसे समाजी चैलेंजेस थे जिनका सामना था, तो सबसे अहम कामयाबी में से फलाही रियासत का क़याम था जो शहरियों के लिए हिफाजती जाल फराहम करती थी, और इसके अंदर शामिल थे कौमी सेहत की सर्विस NHS, यानी नेशनल हेल्थ सर्विस 1948 में शुरू की गई थी। इस NHS ने तमाम अफराद को मुफ्त सेहत की देखभाल दी, जिससे सेहत अहम और तबी खदमात तक रसाई में काफ़ी बेहतरी आई थी। उसके बाद हुकूमत ने समाजी सिक्योरिटी फ़वाद को बढ़ाया, बेरोज़गार, बुजुर्ग, माजूर अफराद को माली मदद दी। इसके अलावा एजुकेशन और हाउसिंग में बेहतरी लाई गई, तालीमी इस्लाहात की गई। 1944 का तालीम एक्ट जो है वो बटलर एक्ट तमाम बच्चों के लिए मुफ्त जो है वो सानवी तालीम ने उस सानवी तालीम को मुतारफ़ करवाया, जिसका मकसद एक ज़्यादा तालीम याफ्ता वर्क फोर्स तैयार करना था। उसके बाद रिहायशी मनसूबे शुरू किए गए थे। हुकूमत ने हाउसिंग बहरान को हल करने को तरजीह दी, 1 मिलियन से ज़्यादा नए घर बनाए गए, जिससे जो बेघरी थी वो कम हुई और रिहायश जो थी वो रिहायशी हालात थे उनको बेहतर बनाने में मदद मिली। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं जिसमें यानी सियासी असरात थे लेबर पार्टी की। इसके अंदर मेरास है कि लेबर हुकूमत ने खुद को बरतानवी सियासत में एक डोमिनेंट पावर के तौर पर कायम किया था और रियासत और उसके शहरियों के दरमियान ताल्लुकात को नए सिरे से मुतयन किया था। ठीक है, और इसमें जो नज़रियाती तब्दीली थी यानी हुकूमत की जो समाजी असलाहत थी उनके नफाज में कामयाबी ने बरतानवी सियासत में ज़्यादा जो तरक्की पसंदाना पॉलिसियाँ थी उनकी तरफ तब्दीली की निशानदेही की, जिसने मुस्तकबिल की हुकूमतों के ऊपर असर डाला। फिर जो चैलेंजेस दरपेश थे वो ये थे कि कामयाबियों के बावजूद हुकूमत को मुसलसल इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना रहा था। उसमें थी अफरातज़र और अदायगियों के तवाज़ुन के मसाइल। इसके अलावा मकबूलियत में भी कमी हुई। जैसे जैसे इक़्तिसादी हालात बदलते गए अवामी हमायत में कमी आती गई और अपोजिशन जमातों की जानिब से दबाव में इजाफा होता गया। तो 1951 और 1945 से 1951 की लेबर हुकूमत ने दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया के इक़्तिसादी और समाजी मसाइल को हल करने में अहम पेशरफ्त की, जिसके अंदर नेशनल हेल्थ का क़याम था, NHS का क़याम था वसी समाजी असलाहत के ज़रिए। लेकिन हुकूमत ने जदीद फलाई रियासत की बुनियाद रख दी थी और चैलेंजेस बाकी रहे, लेकिन हुकूमत की कामयाबियों ने बरतानवी माशरे को और सियासत को बुनियादी तौर पर तब्दील कर दिया और आने वाली नस्लों के ऊपर गहरा असर छोड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वर द मोटिव्स बिहाइंड द ब्रिटिश मूव टू डीकोलोनाइजेशन आफ्टर 1945, आल्सो एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ डिड द ब्रिटिश लीव इंडिया इन 1947। 1945 के बाद बताने की नौबादियात से दस्त बरदारी के पीछे क्या मुहरक़ात थे, इसकी वजाहत करें कि बरतानवी 1947 में हिंदुस्तान से क्यों और कैसे रुखसत हुए। मोटिव्स बिहाइंड ब्रिटेन्स डीकोलोनाइजेशन आफ्टर 1945। दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया की अपनी नौआबादियात के बारे में जो पॉलिसी है वो उसमें एक अहम तब्दीली आई थी, जिसके नतीजे में नौआबादियात को आज़ाद करने की एक लहर चली। खासतौर पर 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी देने के जो बरतानवी फैसले थे उनके पीछे मुख्तलिफ अवामिल थे। उनके पीछे थे इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी जंग के बाद इक़्तिसादी मुश्किलात थी। दूसरी जंग अजीम ने बरतानिया को मौशी तौर पर कमज़ोर कर दिया और मुल्क के बुनियादी सेक्टर को शदीद नुकसान पहुंचा। कौमी कर्जों का बोझ भी बढ़ गया था। इसके अलावा नौआबादियात को बरकरार रखना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था, महंगा होता जा रहा था। बरतानिया अपने नौआबादियाती इलाकों की माली मदद करते हुए अंदरूनी मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने में काफ़ी मुश्किल महसूस कर रही थी। दैन डिज़ायर फॉर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ यानी तजारती मौक़ों की ख्वाहिश थी कि बरतानिया ने जो यानी दूर दराज के नौआबादियात थे उनके बजाय यूरोप और अमेरिका के साथ तजारती ताल्लुकात बनाने के ऊपर तवज्जो दी। ज़्यादा इक़्तिसादी तौर पर फ़ायदेमंद उसे ये समझते थे यानी यूनाइटेड स्टेट के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना। फिर सियासी अवामिल इसमें थे कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, नौआबादियाती इलाकों में बढ़ती हुई कौम परस्त तहरीकें थी, जिन्होंने आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का मुतालबा किया। तो इंडिया में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे जो रहनुमा थे उन्होंने बरतानवी राज के खिलाफ अवामी हमायत को मुनज़्ज़म किया था। आज़ादी के लिए बड़ी सतह के ऊपर एहतजाजात हुए, तहरीकें चलीं और इसके अलावा पुरअमन तरीके से इक़्तिदार मुंतकिल करने के लिए बरतानिया के ऊपर दबाव डाला गया। चेंजिंग ग्लोबल एटीट्यूड्स, आलमी रवैयों में तब्दीली आई। यानी जंग के बाद दुनिया भर में जो यानी साम्राज्यत थी उनके खिलाफ एक बढ़ता हुआ आलमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 1945 एम्फसाइज़ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ह्यूमन राइट्स इन्फ्लुएंसिंग कॉलोनियल कंट्रीज टू सीक इंडिपेंडेंस। यानी 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम ने खुद इरादियत और इंसानी हकूक़ को उजागर किया, फिर जिससे नौआबादियाती ममालिक को आज़ादी की तहरीक मिली। साद जंग का तनाज़ुर क्या है कि साद जंग की सियासत ने भी एक अहम किरदार अदा किया था। बरतानिया चाहता था कि इसकी नौआबादियात जो हैं वो सोवियत यूनियन के साथ मुमकिन इत्तेहाद से बच सकें। ठीक है, लेकिन ये तब होता अगर नौआबादियात को आज़ादी देने में ताख़ीर की जाती। समाजी फैक्टर्स इसमें क्या है थे कि बरतानिया के अंदर जो साम्राज्य था उसके खिलाफ अखलाकियात पर सवाल उठने लगे थे। बहुत से बरतानवी शहरियों ने नौआबादियाती हुक्मरानी की अखलाकी हैसियत के ऊपर काफ़ी उन्होंने शक व शुबहात का इजहार किया था। तो बरतानवी अवाम की अक्सरियत ने नौआबादियात में तशद्दुद को तसादुन से बचने के लिए आज़ादी के पुरअमन मुंतकिल की उन्होंने हमायत की थी और 1947 में बरतानिया का यानी इंडिया से रुखसत होना, डिपार्चर 1947 में। फिर इसके नतीजे में बरतानिया जो था वो इंडिया से रुखसत हो गया था। इसका बैकग्राउंड क्या था कि जंग के बाद हिंदुस्तान में आज़ादी का मुतालबा शिद्दत अख्तियार कर गया था, जिससे हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फिरका वराना कशीदगियाँ बढ़ने लगी थी। फिर ये अहम तहरीक हिंदुस्तानी के अज़्म का एक यानी उसको शौक कहते हैं, उसको कि वो बरतानवी राज का खात्मा चाहते हैं और फौरी आज़ादी का मुतालबा करते हैं। फिर आज़ादी की तरफ जो इक़दामात उठाए गए थे वो ये थे कि यानी इसके अंदर लेबर हुकूमत थी कि क्रिप्स मिशन था 1942 का। दिस अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू नेगोशिएट विद इंडियन लीडर्स टू फॉर ग्रेटर इकोनॉमिक फेल फर्दर स्ट्रेनिंग रिलेशन, यानी कि बरतानी हुकूमत ने इंडियन रहनुमाओं के साथ ज़्यादा खुद मुख्तारी के लिए मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन यह नाकाम रहा, जिस हालात मज़ीद कशीदा हो गए थे। और उसके बाद 1945 में इक़्तदार में आने वाली लेबर पार्टी ने इंडिया की आज़ादी के लिए ज़्यादा वो हमदर्दाना थी। 1947 के अंदर माउंट बैटन प्लान था। आखिरी वासीरा लॉर्ड लुईस माउंट बैटन को इक़्तदार की मुंतकिली की निगरानी का काम सौंपा गया था, तो उन्होंने हिंदुस्तान को दो अलग अलग ममालिक यानी इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम करने का मनसूबा पेश किया था। आज़ादी का अमल क्या था कि तकसीम का फैसला जो था वो मजहबी बुनियादों के ऊपर किया गया था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत के तौर पर कायम हुआ था। और इस फैसले ने बड़ी सतह के ऊपर फिरका वराना तशद्दुद को और बड़ी सतह के ऊपर हिजरतें भी यानी कायम हुई थी। फिर हिंदुस्तानी आज़ाद एक्ट था 1947 के। बरतानवी पार्लियामेंट ने यह एक्ट पास किया, जिसके तहत इंडिया को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और बरतानवी राज का भी खात्मा हो गया। ठीक है, 1945 के बाद बरतानिया की जो डीकोलोनाइजेशन थी उससे दस्तबरदारी के पीछे मुहरक़ात थे, जिनमें इक़्तिसादी मुश्किलात थीं, कौम परस्त तहरीकों का सियासी दबाव था, साम्राज्यवाद के खिलाफ आलमी रवैयों में तब्दीली इसके अंदर शामिल थी। तो 1947 में बरतानवियों का इंडिया से जाना एक पेचीदा अमल था, जिसमें मुज़ाकरात बरसगीर की तकसीम, बड़ी समाजी अफरा तफरी भी इसके अंदर शामिल थी। तो इससे मुंतकिली ने जनूबी एशिया के सियासी मंजरनामे को बिल्कुल तब्दील कर दिया था और साबिक नौबादियाती इलाकों के लिए आज़ादी के लिए एक नया दौर का यह आगाज़ था। सो लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई जॉन मेजर एंड द कंजर्वेटिव विन द जनरल इलेक्शन ऑफ 1992 बट लॉस इलेक्शन ऑफ 1997। जॉन मेजर और कंजर्वेटिव पार्टी ने 1992 का आम इंतखाबात क्यों जीता, लेकिन 1997 के इंतखाब वो क्यों हार गए? तो जॉन मेजर और कंजर्वेटिव पार्टी का 1992 का आम इंतखाबात में जीतना और 1997 में हारना। कंजर्वेटिव पार्टी जिसकी क़यादत जॉन मेजर कर रहे थे, उन्होंने 1992 के आम इंतखाबात जीते, लेकिन 1997 में उन्हें बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो दोनों यानी मुतजाद नताइज के पीछे मुख्तलिफ अवामिल थे। 1992 के इंतखाब में जीतने के अवामिल की अगर हम बात करें तो इसमें मुआशी हालात थे, यानी 1992 तक बरतानिया एक जो था एक कसाद बाजारी से निकल रहा था, तो मीशत में बहाली के आसार थे और जिसने अवाम में कंजर्वेटिव हुकूमत पर एतमाद को बढ़ाया। फिर इसके अलावा कम अफरात इजार थी। कंजर्वेटिव हुकूमत ने कामयाबी से अफरात इजार को काबू में रखा था, जिससे आम लोगों की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई थी। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। इसके वजूहत कि जॉन मेजर की क़यादत को मुस्तहकम और काबिल एतमाद समझा गया था। वो मार्गरेट थैचर के जानशीन बने थे और पार्टी के अंदर एक मुतहद शख्सियत के तौर पर देखे गए थे। लेबर यानी पार्टी दाखिली तनाज़ात का शिकार थी और नील कॉन्ग की क़यादत में अपने इमेज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे इंतखाबी तौर पर कमज़ोर समझा गया था। अब हम उनके इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली देखते हैं। तो कंजर्वेटिव पार्टी की जो कंपेन्स थी, उनका जो जोर था वो मुआशी सलाहियत थी और तसलसल के ऊपर था। तो उन्होंने मेजर की क़यादत में जो तरक्की थी, होने वाली तरक्की थी, उसको उन्होंने हाईलाइट किया था। फिर कंजर्वेटिव पार्टी को मीडिया की काफ़ी हमायत हासिल थी और जिसने अवामी राय को उनके हक़ में बेहतर बनाया। और उसके बाद फैक्टर्स की बात करते हैं, उन अवामिल की बात करते हैं जो 1997 के इंतखाबात में शिकस्त की वजह बने थे। तो वो उनमें वजह थी एक माली बुरान के 1997 के इंतखाबात तक बरतानिया को मुआशी मुश्किलात का सामना था और जिनमें बढ़ती हुई बेरोज़गारी, हुकूमत के मुआशी इंतजामिया से अवामी अदम इत्मीनान इसके अंदर शामिल था। इसके अलावा इसके में ERM का असर था कि 1992 में बरतानिया का यूरोपी यानी से निकलना और ERM एक्सचेंज रेट मेकनिज़म बहरान की सूरत में हुआ था, जिससे मुआशी जो इंस्टेबिलिटी थी और वोटर्स में नाराज़गी पैदा हुई थी। पब्लिक डिस्ट्रस्टिफिकेशन थी के जो स्कैंडल्स थे, करप्शन थे, कंजरवेटिव हुकूमत को मुतल स्कैंडल का भी सामना था जिनमें करप्शन के इल्ज़ाम भी थे, जिससे अवाम का एतमाद यानी उनके ऊपर काफ़ी ख़राब हुआ था। फिर पब्लिक सर्विसेज थे यानी कि जो इसके इसके जो अवामी खिदमत थी यानी ख़ुसूसन नेशनल हेल्थ सर्विस के बारे में बढ़ती हुई जो तशवीश थी वो मौजूद थी, जिससे कम फंड्स और मुश्किलात का शिकार समझा गया। फिर लेबर पार्टी की यानी कि वापसी हुई थी, नई लेबर का इमेज, टोनी ब्लेयर की क़्यादत में लेबर पार्टी ने अपने आप को न्यू लेबर के तौर पर पेश किया था और माजी से दूर होकर जदीद पॉलिसियों के ऊपर तवज्जो दी जो बड़ी सतह के पर अवामी तबके को पसंद आई। इसके अलावा टोनी ब्लेयर को एक दिलकश रहनुमा के तौर पर भी देखा गया था जो नौजवान वोटर्स और कंजर्वेटिव पार्टी से मायूस लोगों से यानी जुड़ गए थे। फिर इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है, उनकी इंतखाबी हिकमत अमली है। लेबर की मौसर मुहिम थी कि लेबर की इंतखाबी मुहिम का जो जोर था वो समाजी इंसाफ के ऊपर था, अवामी खिदमत के ऊपर था, मुआशी इस्लाहात के ऊपर था, जो तब्दीलियों के जो आवाम थे उनको ये अपील कर रही थी। और कंजरवेटिव के बरक्स लेबर की तहत जो है वो लेबर पार्टी ने एक मुतहद मुहाज पेश किया था जिससे उनकी अपील और साख में इजाफा हुआ था। तो 1992 के आम इंतखाबात में कंजरवेटिव पार्टी की फतह का जो वजह थी वो मुआशी बहाली थी और जॉन मेजर की मुस्तहकम क़यादत थी और कमज़ोर अपोजिशन थी। फिर 1997 तक मुआशी मसाइल से अवामी अदम इत्मीनान था और सियासी स्कैंडल से और एक दोबारा मुस्तहकम हुई लेबर पार्टी के नतीजे में कंजरवेटिव पार्टी को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। So the shift in public sentiment reflected through a desire for change, resulting in Tony Blair Labour government's taking power. यानी अवामी जज्बात में ये जो तब्दीली थी, ये तब्दीली की ख्वाहिश को जाहिर कर रही थी, जिसके नतीजे में टोनी ब्लेयर की लेबर हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला। सो ब्रिटिश हिस्ट्री के जो पास्ट पेपर है 2019, इसको हमने डिस्कस किया है, इनके तमाम क्वेश्चन को। तो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you for watching our video. If you like our video, then like, share and subscribe our channel.